દિલમાં હોય એ ઓઠો પર અને કરીને બતાવે છે. એવા રાહુલજી આપણી સામે આવે પહેલા એક વખત જોરથી બોલીએ, રાહુલ ગાંધી. સાલો બાદ કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટી કી મીટિંગ ગુજરાત મે હુઈ, ઓર હમને યે મીટિંગ ગુજરાત મે ઇસલિયે કી ક્યુંકિ હિન્દુસ્તાન મે દો વિચારધારાઓ કી લડાઈ હૈ, ઓર દોનો વિચારધારા ગુજરાત મે આપકો મિલેંગી. એક તરફ મહાત્મા ગાંધી જિન્હોને આપની પૂરી જિંદગી કા હર ક્ષણ ઇસ દેશ કો બનાને મે લગા દિયા. આજ હમ ઉનકે આશ્રમ મે થે, ઓર અગર યે દેશ બના હૈ તો મહાત્મા ગાંધી ઓર ગુજરાત ને ઇસ દેશ કો બનાયા હૈ. ઓર આજ દૂસરી શક્તિયાં ઇસ દેશ કો કમઝોર કરને મે લગી હૈ. આપ દેખીએ, ઇતિહાસ મે પહેલી બાર સુપ્રીમ કોર્ટ કે ચાર જજ પ્રેસ કે પાસ જાતે હૈ, કહેતે હૈ હમે કામ કરને નહી દિયા જા રહા હૈ, ઓર ઉસકે એકદમ બાદ જજ લોહિયા જી કા નામ લેતે હૈ. આમ તોર સે જનતા સુપ્રીમ કોર્ટ કે પાસ જાતી હૈ ન્યાય કે લિયે. આજ કે હિન્દુસ્તાન મે સુપ્રીમ કોર્ટ કે જજ જનતા કે સામને ન્યાય માંગતે હૈ, ઓર યે સિર્ફ સુપ્રીમ કોર્ટ કે સાથ નહીં હો રહા હૈ. જહાં ભી આપ દેખે હિન્દુસ્તાન કી સંસ્થાઓ પર, ઇન્સ્ટિટ્યૂશન્સ પર આક્રમણ ચાલુ હૈ. લોકો કો બાટા જા રહા હૈ, નફરત ફેલાઈ જા રહી હૈ, ઓર જો સચ્ચે મુદ્દે હૈ ઉનકી બાત સરકાર નહીં કરતી. હિન્દુસ્તાન કે સામને સચ્ચે મુદ્દે કોન સે હૈ? સબસે પહેલા ઓર સબસે બડા મુદ્દા બેરોજગારી. આજ હિન્દુસ્તાન મે 45 સાલ સે ઝ્યાદા બેરોજગારી હૈ. નરેન્દ્ર મોદીજી મેક ઇન ઇન્ડિયા કી બાત કરતે હૈ, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા કી બાત કરતે હૈ, મગર સચ્ચાઈ યે હૈ કે આજ હિન્દુસ્તાન કા યુવા અલગ અલગ પ્રદેશો મે રોજગાર ઢૂંઢતે ભટક રહા હૈ. ચારસો પચાસ યુવાઓ 24 ઘંટે મે નરેન્દ્ર મોદીજી કી સરકાર રોજગાર દેતી. દૂસરી તરફ કિસાનો કા મુદ્દા, ગુજરાત કે ચુનાવ મે હમને કિસાનો કી બાત કી, ઓર કિસાનો ને ગુજરાત મે હમારી પૂરી સમર્થન કી, ઓર કિસાનો કે સામને કોન સે મુદ્દે હૈ? નરેન્દ્ર મોદીજી 3,50,000 કરોડ રૂપે 15 લોગો કા કર્જા માફ કર સકતે હૈ. હિન્દુસ્તાન કે સબસે અમીર લોગો કા, મગર હિન્દુસ્તાન કે કિસાન કા કર્જા માફ નહી કર સકતે, એક રૂપિયા કર્જા માફ નહી કર સકતે. ઉલ્ટા અરુણ જેટલીજી કહેતે હૈ કિસાન કા કર્જા માફ કરના હમારી પોલિસી નહીં હૈ. કિસાન બીમા કા પૈસા દેતે હૈ, ઓર જબ આંધી તૂફાન આતા હૈ તો ફાયદા ઉન્હીં 15 લોગો કી કંપની કો હોતા હૈ.
आप पैसा भरो और सीधा का सीधा पैसा उनकी जेब में जाता है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव थे, हमने रोजगार का, किसान का मुद्दा उठाया और हमने वहां साफ कह दिया, और वही बात मैंने गुजरात में कही थी कि देखिए हम जो कहते हैं हम करके दिखा देते हैं। और हमने वहां कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ कर सकती है। और हमने कहा कि देखिए 10 दिन के अंदर इन 3 प्रदेशों में चुनाव के जीतने के 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ कर देगी। और प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इन प्रदेशों के सब किसानों का कर्जा माफ कर दिया। और मुझे दुख होता है कि गुजरात के किसानों का कर्जा हम माफ नहीं कर पाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको भी जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की बिना किसी से पूछे, 8 बजे रात को अनाउंसमेंट करते हैं कि 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट रद्दी हो रहा है। और गुजरात का जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो इनोवेटिव स्पिरिट है, गुजरात के छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को एक दिन में नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया, करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया, हंसते हुए किया। कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुजरात की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या उस भीड़ में जो बैंक के सामने खड़ी थी, क्या उस भीड़ में आपने हिंदुस्तान के काले धन वालों को देखा? क्या आपने अनिल अंबानी को देखा, नीरव मोदी को देखा, मेहुल चौकसी को देखा? नहीं, उस लाइन में हिंदुस्तान के गरीब लोग थे, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, माताएं बहने। 15 लाख रुपए वापस करने का कहा था, मिल गया आपको 15 लाख रुपए, आ गया आपके बैंक अकाउंट में। जहां भी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं। गब्बर सिंह टैक्स कहा था कि एक टैक्स होगा, सिंपल टैक्स होगा, 12 बजे रात को अनाउंस करते हैं, पता लगता है कि 5 अलग अलग टैक्स। और आज तक गुजरात के छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस वालों को जीएसटी समझ नहीं आई। मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि 2019 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, वैसे ही हम जीएसटी को रिफॉर्म करके आपको एक टैक्स वाली जीएसटी दे देंगे। मगर नरेंद्र मोदी जी सच्चे मुद्दों की बात नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी जी देश को यह नहीं बताना चाहते कि पिछले 5 सालों में उन्होंने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी देश के किसान को यह याद नहीं दिलाना चाहते कि उन्होंने पिछले 5 साल में किसानों की बात नहीं सुनी, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों की मदद नहीं की। यह नहीं याद दिलाना चाहते कि उन्होंने किसान से बोनस छीना। एक के बाद एक नई बातें करेंगे। आपने, आपको याद होगा 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। ये देखिए मैंने चौकीदार शब्द बोला,
ये देखिए चौकीदार, तो आप कुछ और बोलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ चौकीदार जवाब मिलता है। और फिर हर स्टेज से नरेंद्र मोदी देशभक्ति की बात करते हैं, हर स्टेज से नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि मैं देशभक्त हूं। राफेल हवाई जहाज, नरेंद्र मोदी वायुसेना की प्रशंसा करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी देश को यह नहीं बताते हैं कि उन्हीं पायलट्स और उसी वायुसेना के जेब में से नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी के जेब में डाला है। देखिए मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, एंटनी जी बैठे हैं। यूपीए के समय एंटनी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने एक राफेल के लिए 526 करोड़ रुपए देने के लिए तय किए थे। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि एचएएल कंपनी, हिंदुस्तान की सरकारी कंपनी जिसने 70 साल से हवाई जहाज बनाए, जिसके हवाई जहाज ने पाकिस्तान में जाके बम गिराए, मिराज हवाई जहाज, उस कंपनी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। भाइयों और बहनों, अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया है, और मैं गारंटी करके कहता हूं, अगर अनिल अंबानी जी को आपने एक कागज दे दिया और उन्होंने उनको कहा कि भैया कागज का हवाई जहाज बनाओ, अनिल अंबानी जी कागज का हवाई जहाज नहीं बना पाएंगे। बैंक का 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है उन पर,